हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि डेली मॉर्निंग में 11 से 11:30 के बीच में भी एक करंट अफेयर का एक जीके का वीडियो है जो कि मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाता हूं। अभी 10:30 बजे मैंने आपको लर्न विद गुणेश सर के ऊपर आपको हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि मैंने इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उसको लेकर मैंने आपको करवाया है, तो वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एशियन गेम्स से संबंधित है। देखो, एशियन गेम्स अभी 2022 के 2023 के अंदर हुए हैं और यहाँ पे आपको कई सारे सवाल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अलग अलग प्रकार से, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो 30 ऐसे क्वेश्चन जो कि मैं आपको करवाने वाला हूँ और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सो दैट और भी लोग हैं जो कि देख सके। ये बात तो आपको मालूम ही है कि एशियन गेम्स हर 4 सालों के अंदर है जो कि आयोजित करवाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंगली बात पता है क्या थी कि सबसे पहले, ठीक है, जब एशियन गेम्स करवाए गए थे तो वो हमारे उस टाइम पे राजेंद्र प्रसाद जी जो है उन्होंने ही इनॉग्रेट किया था और 1951 के टाइम पे दिल्ली के अंदर है जो कि आयोजित करवाए गए थे। उसके बाद में फिर मनीला में हुआ, उसके बाद में टोक्यो में हुआ, उसके बाद में वापस से जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर हुआ, फिर बैंकॉक के अंदर हुआ, उस तरीके से आगे चलता चला गया। हमने 1951 के अंदर एशियन गेम्स करवाए, फिर उसके बाद में 1982 के अंदर भी हमने एशियन गेम्स है जो कि आयोजित करवाए गए थे। समझ गए, स्टार्टिंग में जब 1951 के टाइम पे जब हमने आयोजित करवाया था तो सिर्फ 11 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था 1951 में, है ना। कॉम्पिटिटर थे कोई 489 के समवेयर और सिर्फ 6 स्पोर्ट है जो कि हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1951 की। 1982 के अंदर कंट्रीज बढ़ के हो गए 23, जो पार्टिसिपेंट थे वो बढ़ के हो गए 3,500 और नियर बाय 21 स्पोर्ट्स के अंदर जो है इस टूर्नामेंट को आयोजित करवाया गया था। ये मैं बात कर रहा हूं 1982 की। अब आते हैं सीधे 2022 के टूर्नामेंट के अंदर जो कि अभी रिसेंटली 2023 के अंदर कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, करवाया गया, जहां पे 45 कंट्रीज ने इस बार पार्टिसिपेट किया और 11,000 से भी ज्यादा एथलीट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और नियर बाय 40 स्पोर्ट्स के अंदर इवेंट है जो कि करवाए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए 51 के बारे में भी, 82 के बारे में भी और 2022-23 के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले एशियन गेम्स का थोड़ा इतिहास आपको पता होना जरूरी है ना। इससे पहले आपको मालूम है 18 के अंदर जब आयोजित करवाया गया था तो जकार्ता और पेलम्बर्ग नाम की जगह है वहां पर इसको करवाया गया था, वहां पर भी 45 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट जो है वो नगोया में होगा। नेक्स्ट जो 2026 में होगा वो नगोया जापान में होगा। उसके बाद में 2026 के बाद 2030 दोहा में करवाया जाएगा और 2034 का जो होगा वो रियाद सऊदी अरेबिया में इसको आयोजित करवाया जाएगा। तो आने वाले जो 3 कंट्रीज है वो भी आपको पता होने जरूरी है। नगोया के साथ में एक इची नाम के एक और शहर है, वहां पर भी मतलब जापान के 2 शहरों के अंदर जो कि उसको आयोजित करवाया जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, आपके लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जो आज तक के जो मेडल जीते गए टोटल इतिहास में बता रहा हूं, आज तक के एशियन गेम्स के इतिहास में, तो चाइना नंबर 1 पे है, आप सबको मालूम ही है। 2nd पे जापान है, उसके बाद में साउथ कोरिया है, ठीक है, और उसके बाद में ईरान है और उसके बाद में इंडिया है। ओवरऑल अगर मैं एशियन गेम्स के इतिहास के बारे में बात करूं तो हम लोग अभी 5वें नंबर के ऊपर है और टोटल मिला के हमने जो यहाँ पे टोटल मिला के जो मेडल जीते हैं हमने वो नियर बाय 779 है, जिसमें से 183 गोल्ड मेडल है जो कि हमने हासिल करे हैं। तो ये अभी तक का इतिहास है जो कि रहा है। समझ गए मेरी बात, है ना। इस एडिशन के अंदर मतलब एक एडिशन में अगर मैं यहाँ कंटिन्यूसली अगर बात करूं तो हमारी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि एशियन गेम्स में रहती है। एशियन गेम्स में हम लोग हमेशा ज्यादातर जो है वो हमेशा टॉप 5 के अंदर ही है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इस बार भी हम लोग 4th नंबर पे रहे, है ना। चलिए, ठीक है गाइस, चलिए अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको वो आपको मिलेगी क्लास 24 पे, सारे कोर्सेज भी मिलेंगे और मेरा जीके का कोर्स भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सब कुछ मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं पीडीएफ के साथ। क्लास 24 पे एसएससी कैटेगरी में जाकर ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए पहला सवाल आपके सामने, कौन सा एडिशन है जो कि इस बार एशियन गेम्स का आयोजित करवाया गया। 2022 का अंदर होना था लेकिन हुआ 23 के अंदर है, तो एडिशन कौन सा था ये जरूरी है। पेपर के अंदर एडिशन के ऊपर सवाल है जो कि बहुत बार पूछते हैं। आंसर हो जाएगा आपका 19th।
ठीक है, तो 19th एडिशन है जो कि इस बार रहा है, 51 के अंदर इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। ठीक है, पेपर में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो 1982 का जो था वो एडिशन कौन सा था, क्योंकि पहला वाला तो हमारा था ही, उसके बाद में जब हुआ है 82 के अंदर इंडिया में तो वो कौन सा एडिशन था, मतलब बता सकते हो? वैसे तो कह रहा आप काउंटिंग करने बैठोगे, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, 9th एडिशन था, ऐसे ध्यान रख लेना। जो 1982 के अंदर जब हमने दिल्ली के अंदर इसको जब करवाया था तब ये 9th एडिशन था। ठीक है, और इस बार 2022 के बारे में बात करें तो ये 19th एशियन गेम्स का एडिशन है जो कि आईएसयू के अंदर इसको आयोजित करवाया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल यहां से बनेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों का आंसर मालूम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा खेल या गेम 2023 एशियन खेलों में अपनी पहली बार शुरुआत है जो कि उसके द्वारा करी गई, पहली बार देखने को मिला है आपको? क्रिकेट पहली बार नहीं था, क्रिकेट पहले हो चुका है, वापस से ज्वाइन किया है क्रिकेट ने, तो क्रिकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे आंसर हो जाएगा पेंटाथलॉन भी नहीं है, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग, ये पहली बार है जो कि इस बार एड ऑन करेगा, दो ही स्पोर्ट एशियन गेम्स में एड ऑन करेगा, ये दोनों ही थे, समझ गए। इसके अलावा अगर मैं क्रिकेट के बारे में बात करूं, बोर्ड गेम के बारे में बात करूं, है ना, चेस के बारे में बात करूं, गो जिंक्वी करके एक और था, ये सारे जो है वो लौट के आए हैं, है ना, वापस से, ऐसा नहीं था कि दे आर ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था इंडियन कंटिजेंट का, इंडियन जो टीम गई है उनका ऑफिशियल स्पॉन्सर इस एशियन गेम्स में कौन था, जल्दी से बताइए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है अमूल, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अमूल इस बार ऑफिशियल स्पॉन्सर है जो कि हमारे एशियन इंडियन कॉन्टिजेंट का जो है वो इस वाले टूर्नामेंट के अंदर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि है उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ध्वजवाहक कौन थे, जल्दी बताइए। देखो आपको ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों के पता होने चाहिए, दोनों के ही इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इस बार दो थे, जेंडर इक्वालिटी दिखाते हुए हमने हरमनप्रीत सिंह और साथ में लवलीना, यानी कि सी आप डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखोगे जो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे जो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है श्रीजेश जो थे वो हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के थे। इसके अलावा ये सब आपको पता होना चाहिए, टोटल 661 कंटिजेंट है जो कि हमारा गया था, जिसमें से 328 महिलाएं थी, टोटल 28 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 107 मेडल है जो कि इस बार हमने जीते हैं। ओके, 107 मेडल का आंकड़ा है जो कि इस बार हमने पार किया है। चलो नेक्स्ट है, एशियन खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट था क्योंकि हमने घुड़सवारी के अंदर बहुत सालों के बाद में वापस से मेडल है जो कि हमने जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 40 साल से भी ज्यादा, तो कितने हो गए 41 यहाँ पे आंसर है, तो 41 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सालों बाद में हमने इस बार, इसमें टीम में कौन थे, अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल, सिद्धुपति, दिव्या कृति, ये सारे के सारे लोग थे जिन्होंने 41 ईयर बाद में हमें वापस से मेडल है जो कि यहाँ पे जीता है। इससे पहले 82 के टाइम पे जो है 9th एडिशन के टाइम पे हमने जीता था। चलिए, किस भारतीय निशानेबाज ने एशियन खेल 2022 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रिकॉर्ड स्कोर है जो कि बनाया है, कौन है हमारी खतरनाक शूटर, सभी को मालूम होगा हमारे शूटिंग के अंदर सबसे खतरनाक जो है वो है हमारे मनु भाकर, तो इसलिए बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा। लेकिन मनु भाकर नहीं है यार, मुझे भी लगा मनु भाकर होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कुमार कौर समरा, ठीक है, तो ये है ना सिद्ध कुमार समरा इस बार जो है नंबर वन के ऊपर रही है, जिन्होंने गोल्ड मेडल तो हासिल किया 50 मीटर राइफल के अंदर, लेकिन वो पिस्टल इवेंट के अंदर है मेरे ख्याल, जो मनु भाकर है ना वो पिस्टल इवेंट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पे राइफल इवेंट की है तो गलत मत करना, मैंने भी गलत किया है, आप मत करना। ठीक है, मनु भाकर बहुत अच्छी है शूटर, लेकिन 50 मीटर राइफल के अंदर जो है यहाँ पे कौर समरा नाम आपको ध्यान रखना है, समरा से आप याद कर सकते हो, उन्होंने रिकॉर्ड है जो कि यहाँ पे बनाया और गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया। नेक्स्ट है, एशियन खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली, पिस्टल इवेंट के अंदर बताइए, पिस्टल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल किसने हासिल किया,
ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, पहले तो हमने राइफल इवेंट के बारे में बात करी थी, इस बार हम लोग पिस्टल इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिस्टल इवेंट के बारे में बात करें तो पिस्टल में जैसे कि मैंने आपको बताया मनु भाकर बहुत अच्छी प्लेयर है, तो मनु भाकर तो यहाँ पे है ही है। ये देखिए ईशा सिंह भी है और रिदम सानवान, ये तीन लोगों ने जो है इसके अंदर टूर्नामेंट है जो कि जीता है। ओके, तो पिस्टल और राइफल इस तरीके से याद कर लेना सही रहेगा। चीन के हैंसू में एशियन खेल 2023 में 3000 मीटर स्टेपल चेस स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता, स्टेपल चेस के अंदर गोल्ड मेडल, 3000 मीटर की स्टेपल चेस है जो कि हुई थी उसके अंदर जो है गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, हमारे बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है अविनाश, है ना, अविनाश ने दोस्तों यहाँ पे गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया है। ओके, प्रीवियस एशियन गेम्स में इन्होंने 8 मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि इनकी रही थी, कंप्लीट किया था, और प्रीवियस जो ईरान के प्लेयर था उनका रिकॉर्ड है जो कि इस बार उन्होंने तोड़ दिया। नेक्स्ट है भारत के तेजिंदर पाल सिंह टूर ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, आपको मालूम है तेजिंदर के बारे में, वन लाइनर करंट अफेयर यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, चलो ठीक है करवा दूंगा मैं, चलिए बताइए। जब हम लोग बात करते हैं तेजिंदर पाल तूर की तो बहुत ही फेमस दोस्तों क्या है, शॉर्ट पुट के प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भी इस बार हासिल किया है, है ना, और 20 मीटर का इन्होंने फेंका है शॉट, फोर्थ इंडियन शॉर्ट पुटर है जिन्होंने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया, इससे पहले प्रद्युमन ने, जोगिंदर ने और बहादुर सिंह ने, इन तीनों ने भी जो है गोल्ड मेडल इसके अंदर हासिल किया है। नेक्स्ट सवाल है आपका, एशियन खेल 2023 में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन है, मिक्स्ड इवेंट के अंदर, मिक्स्ड डबल्स के अंदर गोल्ड मेडल हमने टेनिस के अंदर इस बार हासिल किया, टेनिस के अंदर हासिल तो किया लेकिन कौन से प्लेयर थे, सबको मालूम है रोहन बोपन्ना तो थे ही थे, तो आपके ये और ये तो कट गए, ठीक है यहां पर भी है वैसे तो क्या, तीनों ऑप्शन में ही ये वाले कट गए दोनों, ये दो बचे हैं, तो देखो रोहन बोपन्ना है और ऋतुजा है, तो ये दो है जिन्होंने, अब सुमित नागपाल तो वैसे भी मिक्स डबल में तो हो नहीं सकते, ये तो मैन हो गया है, तो अगर मिक्स की बात करें तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा, दो अलग अलग तो सिंपल आंसर है जो कि आपका भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इन्होंने चाइनीज ताइपे की टीम को जो है इस बार हराया है। फर्स्ट क्रिकेट टीम जिसने 300 रन है जो कि एशियन गेम्स में स्कोर करे, इस बार मालूम है ना T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो कि हुआ था, तो T20 के अंदर 300 रन है जो कि बनाए गए टीम के द्वारा, वो कौन सी टीम है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा, सभी को मालूम ही है नेपाल के द्वारा दोस्तों बनाए गए, और नेपाल के अंदर सबसे खतरनाक T20 के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी भी जो है वो बना दी गई कुणाल के द्वारा, और 314 रन है जो कि मंगोलिया के खिलाफ है जो कि बनाए थे नेपाल के द्वारा। चलिए फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने जेवलिन गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया, जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, चारों में से जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर अनु रानी है जो कि आपका यहाँ पे सही आंसर है जो कि हो जाएगा, सही है अनु रानी, बिल्कुल सही है अनु रानी ने दोस्तों जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे हासिल किया, और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी रही है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी है जिन्होंने गोल्ड है जो कि जेवलिन थ्रो में जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल किसने हासिल किया है ये सवाल आपसे पेपर में बनेगा, क्योंकि गोल्ड तो सबको मालूम ही है लेकिन सिल्वर किसने जीता वो भी इंडियन ने जीता है, तो सिल्वर किसके द्वारा जीता गया, किशोर कुमार जीना के द्वारा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि होगा, किशोर कुमार बोल लो या किशोर जीना बोल लो, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आप मैंने बना दिया लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे किशोर जीना किशोर कुमार जीना, ठीक है, तो किशोर जीना है किशोर कुमार जीना एक ही बात है, कोई वो नहीं है, तो इन्होंने सिल्वर मेडल है जो कि इस बार हासिल किया है, जबरदस्त प्लेयर है ये भी और काफी अच्छी परफॉर्मेंस है जो कि इनकी रही है। गोल्ड मेडल मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट के अंदर, मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट के अंदर गोल्ड मेडल जो है वो किसके द्वारा हासिल किया गया, स्क्वैश का टूर्नामेंट था मिक्स डबल था, तो एक लड़की होगी और एक लड़का होगा ऑब्वियसली, और दीपिका पल्लिकल ने तो जीता ही है, तो दीपिका पल्लिकल आपको इसमें भी है इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, तो ए और सी में से होगा, सौरभ घोषाल थे हो सकते हैं या हरिंदर पाल हो सकते हैं, जल्दी बताओ कौन होगा, हरिंदर पाल होगा, ठीक है ना, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ऑलराइट, चलिए तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एशियन खेल 2023 में कितने देशों ने भाग लिया, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, कितने 45 कंट्रीज ने इसके इसमें पार्टिसिपेशन है जो कि किया है, 12,000 से भी ज्यादा एथलीट है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और
19वां एशियन गेम्स के अंदर। नेक्स्ट 100 मेडल, हमारा जो 100वां मेडल था वो कौन सा था? ये भी सही सवाल है। हमारा जो 100 मेडल था वो कौन से खेल से संबंधित था, मतलब किस में हमने 100 मेडल है जो कि जीता, और हमारा जो था वो कबड्डी वाला जब हमने मेडल जीता तो हमारा इस बार टोटल 107 है, तो 100वां मेडल है जो कि इस बार हमने हासिल किया था। ठीक है गाइस, तो एशियन गेम्स के अंदर फर्स्ट टाइम एवर है जो कि हमने 100 मेडल है जो कि पार करे हैं। कबड्डी टीम ने जो है वो 100वां मेडल है जो कि हमें जीत के दिया, चाइनीज टाइपिंग को हमने हराया था। इंडियन हॉकी टीम ने भी 4 गोल्ड मेडल है जो कि एशियन गेम्स में जीते हैं, 66 में, उसके बाद में 88 में, 2014 और 2023 के अंदर हॉकी ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। T20 के अंदर हमने कौन सी टीम को हरा के गोल्ड मेडल जीता, इंडिया ने जीता ना गोल्ड मेडल एशियन गेम्स से, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन थे, तो हमने अफगानिस्तान को जो है वो फाइनल के अंदर, वो आ गई थी बारिश आ गई थी, तो इंडिया को जो है वो पहले वाले स्कोर के हिसाब से जो है वो विनर है जो कि घोषित कर दिया गया। ठीक है गाइस, चलिए इससे पहले 2010 और 2014 के अंदर भी क्रिकेट पहले खेला जा चुका है, तो पहली बार क्रिकेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इंडिया की ज्योति सुरेखा ने गोल्ड मेडल कौन से इवेंट के अंदर हासिल किया, ज्योति सुरेखा, अभी पैरा एशियन गेम्स भी चल रहे हैं तो पैरा एशियन गेम्स भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी सवाल है जो कि बनेंगे। इंडिया की ज्योति सुरेखा ने इस बार किसमें, कंपाउंड आर्चरी इवेंट के अंदर है जो कि इस बार गोल्ड मेडल है जो कि हमने हासिल किया है, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है, इंडियन वुमेन कबड्डी टीम ने एशियन गोल्ड मेडल तो इस बार जीता ही जीता है, कौन सी टीम को हरा के हमने गोल्ड मेडल जीता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका चाइनीज ताइपे को, चाइनीज ताइपे को हरा है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने आपको, हाँ उनको हरा के हमने इस बार गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया है। इससे पहले भी हमने 2010 के अंदर गोल्ड मेडल है जो कि हासिल कर चुके हैं। 19वें एशियन खेल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को 2-1 से हरा के कांस्य पदक जीता, तो महिला टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हॉकी के अंदर, किसको हराया था जल्दी बताइए, किसको हराया था, हमने जापान को हरा के टूर्नामेंट है जो कि जीता है, ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता है। ओके, इसके अलावा चाइना ने जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने सिल्वर, और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जो कि हासिल किया है। और आपको बताना है कि हमारे टोटल मेडल है जो कि कितने रहे, वो तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई दिया, हमने जो टोटल मेडल जीते 28 गोल्ड के साथ में टोटल 107 मेडल, फर्स्ट टाइम है कि हमने 100 का जो मार्क है उसको क्रॉस किया है, तो ये हमारे लिए इस बार काफी अच्छा एशियन गेम्स है जो कि गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर के ऊपर है जो कि ओवरऑल हम लोग रहे। 2018 में 70 मेडल थे, 16 गोल्ड थे, इस बार हमने 28 गोल्ड है जो कि हासिल करे हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 19वें एशियन खेलों की पदक तालिका में नंबर वन स्थान में हासिल किया है, तो सबको मालूम ही है नंबर वन पे तो कौन है, चाइना ने तो नंबर वन पे कर ही रखा है, सबसे ज्यादा मेडल है जो कि चाइना ने जीते हैं, 382 मेडल है जो कि जीते, जिसमें 200 गोल्ड मेडल थे, ऑलमोस्ट 8 से 9 गुना ज्यादा गोल्ड मेडल इसने इंडिया से हासिल करे। सेकंड पे जापान था, थर्ड पे साउथ कोरिया था, तो ये तीनों कंट्री के ऑर्डर भी आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में सवाल बनेगा। ओके, फर्स्ट टाइम एवर बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल कौन से पेयर ने हासिल किया, ये बहुत खतरनाक मैच था चाइना के साथ में, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि रही हमारे इस टीम की जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और कौन है हमारे, है ना, रेड्डी और चिराग, रेड्डी शेट्टी दोनों ने मिलकर जो है वो बहुत खतरनाक गेम है जो कि दिखाया चाइनीज को। चलिए ठीक है, और चाइनीज के साथ में सेमीफाइनल में मैच था इनका, फाइनल में इन्होंने साउथ कोरिया की टीम को हराया था, ये देखो साउथ कोरिया की टीम को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया था। ओके चलो, दीपक पूनिया ने ईरान के प्लेयर को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया, कौन सी कैटेगरी के अंदर, दीपक पूनिया, दीपक पूनिया दोस्तों हमारे रेसलर है, और उन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर ईरान के प्लेयर को हरा के गोल्ड मेडल हासिल किया, तो हैवी वेट के अंदर खेलते दीपक पूनिया, मेरे ख्याल से या तो 86 होना चाहिए या 90 होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए, 86 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 86 फ्री स्टाइल फाइनल के अंदर इन्होंने ईरान के प्लेयर को हराया। मोटो क्या था 19th एशियन गेम्स का, बहुत अच्छा सवाल है ये, पेपर में आएगा। मोटो के बारे में बात करें तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये है जो कि इस बार का मोटो रखा गया, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे आपसे, है ना। इससे पहले का था एनर्जी ऑफ एशिया 18वें का, बस ये दोनों ही ध्यान रखना है, 19वां और 18वां।
नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा के द्वारा टोटल कितने एशियन गेम्स के मेडल है जो कि अभी तक जीत लिए गए। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कितने गोल्ड मेडल हासिल करे, ऑब्वियसली दोनों बार जो है ये डिफेंडिंग चैंपियन रहे, तो सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इससे पहले वाले के अंदर भी इन्होंने गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया था। चलो ओके, नेक्स्ट है मोस्ट वुमेन मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 19th एशियन गेम्स की, वुमेन की कैटेगरी में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है जिनको टाइटल मिला है वो कौन है, उनका नाम है जैंग करके। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है जैंग, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैंग ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैंग को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड है जो कि यहाँ पे मिला है वुमेन कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा स्विमिंग के अंदर बात करें तो क्विन करके स्विमिंग है चाइना के प्लेयर है, उनको मेल के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड है जो कि मिला है। तो क्विन और जैंग इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चाइनीज स्विमर है और दोनों का ही मोस्ट वैल्यूएबल अवार्ड है जो कि मिला है। शूटिंग के अंदर हमने कितने मेडल है जो कि हासिल करे हैं बताइए, शूटिंग के अंदर हमने टोटल कितने मेडल हासिल करे, एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा हासिल करे, शूटिंग में हमने टोटल 22 मेडल है जो कि इस बार हासिल करे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में हासिल करा वो कौन है, आंसर हो जाएगा आपका कमलजीत सिंधु। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले कमलजीत सिंधु ने 1970 के बैंकॉक एशियन गेम्स के अंदर 400 मीटर रेस के अंदर है जो कि गोल्ड मेडल हासिल किया था, है ना, और फर्स्ट एथलीट है जो कि 1970 के अंदर वो बनी थी। फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल इन वुमेन हेप्टाथलॉन इन द एशियन गेम्स, हेप्टाथलॉन जो होता है उसके अंदर गोल्ड मेडल हासिल करने वाली भारतीय महिला आपको बतानी है, फर्स्ट भारतीय महिला। 7 इवेंट होते हैं इसके अंदर, बहुत खतरनाक एथलेटिज्म आपको दिखाना पड़ता है, और हमारे स्वप्ना बर्मन ने दोस्तों गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया एशियन गेम्स में। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है जो कि लास्ट टाइम जब हुआ था ना 18th एडिशन उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन जहां पे हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करें एशियन गेम्स से संबंधित। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपको ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, आप रख लीजिएगा, आपके पास में एग्जाम में काम आएंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, आपको इस क्लास की पीडीएफ क्लास 24 एप्लीकेशन में मिल जाएगी, मेरा जीके का कोर्स भी वहां पे अवेलेबल है सिर्फ 999 रुपीज में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।